लास्ट टाइम हमने देख लिया था हाइब्रिडाइजेशन हमें कैसे करनी है, सॉरी वीबीडी की हेल्प से हमें हाइब्रिडाइजेशन और उसका स्ट्रक्चर कैसे पता करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास दो टाइप्स के लिगेंड होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग और एक होगा वीक। स्ट्रॉन्ग में मैंने दो तीन लिगेंड्स आपको रटने के लिए बोला था, वो थे हमारे CO, CN एंड NH3। ये लोग क्या कराते हैं, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देते हैं। ये लोग मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की क्या कराएंगे, पेयरिंग करा देते हैं। लेकिन वीक लिगेंड्स जो बाकी सारे रह गए, वीक लिगेंड के केस में क्या होगा, देयर विल बी नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी। ठीक है, तो हमने इनके क्वेश्चंस देख ही लिए थे, अब आगे फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट चीज, हमें डी ऑर्बिटल की शेप्स देखनी। आप प्लस वन में वैसे तो डी ऑर्बिटल देख करके आते हो, डी की शेप, पी की शेप, एस की शेप, राइट। एस की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। पी की शेप क्या होती है, डंबल, राइट। और डी की होती है डबल डंबल, डबल डंबल। तो डी के हमारे पास बनते हैं फाइव ऑर्बिटल्स बनते हैं। पांचों के अपने अपने नाम होते हैं, जैसे हमारे नाम होते हैं ऐसे इनके नाम होते हैं। फर्स्ट का नेम इज DXY, सेकेंड DYZ, थर्ड इज DZX, फोर्थ नाम होता है DX2Y2 एंड नेक्स्ट इज DZ2, राइट। इनकी अपनी अपनी अलग अलग शेप्स होती हैं, वो बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं DXY, ये मान लो हमारा X ऑर्बिटल, ये है Y ऑर्बिटल। DXY मींस X और Y की दोनों की वैल्यूज हमें मिल जाए तो क्या आएगा, ये भी बनेगा हमारा लॉ बीच में, एक डंबल, डबल डंबल है तो डबल डंबल बना दिया हमने। एंड दिस ऑर्बिटल पिक्चर इज ऑफ फॉर DXY। इसी तरह अगर हमें बनानी हो DYZ की, तो DYZ की कैसे बनेगी, इसे Y मान लो, इसे Z मान लो, सेम इसी तरह बन जाएगी, राइट। इसी तरह अगर हमें बनानी है DZX की, DZX, तो इसे X मान लो, इसे Z मान लो, वही बीच में बनाओ, एक डंबल दूसरा डंबल। तो इन तीनों की शेप्स तो बिल्कुल सेम बनती है, इन तीनों की शेप्स जो होगी वो बिल्कुल सेम बन रही है। देखो अब बात करते हैं DX2Y2 की एंड DZ2, इसकी बात करेंगे DX2Y2। ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। तो इसमें क्या होगा, देखो X2 मतलब वैल्यू बढ़ गई है, तो इसमें क्या होगा, जो X का लोब है वो X एक्सिस पर ही आएगा, राइट। जो Y का लोब है वो Y एक्सिस पर ही आएगा। यहाँ पर इन द मिडल ऑफ एक्सिस है दोनों, राइट। ये Y X के, ये Y के और X के मिडल में है, यहाँ पर एक्सिस पर ही हमारे लोब बने। अगर हम बात करें इसी तरह DZ2 की, तो मान लो ये है हमारी जेड एक्सिस, तो लोब बन जाएगा जेड एक्सिस पर। ये लोब्स का मतलब क्या होता है, इन लोब्स का मतलब होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहीं यहाँ प्रेजेंट होगी, इनके अंदर हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरह इनके अंदर प्रेजेंट होगी, राइट। इसी तरह इनमें, इसी तरह इनकी बात करें कि यहाँ पर लोब बनाने का मतलब क्या है, कि जो हमारा DX2Y2 होता है इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पर ये शेप बनाई गई है। इसी तरह हम बात करें DZ2, जो DZ2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है,
तो यहाँ पर हम एक बीच में एक सर्कल सा भी बना देते हैं, राइट। इसको डोनट शेप बोलते हैं, डोनट जो वो खाने वाले आते हैं ना भारतीय बालूशाही, राइट, उसको डोनट शेप का भी बोला जाता है, राइट। तो ये हो गई हमारी शेप। अब बात आती है कि हमने इस शेप को क्यों क्यों है। अब हम करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके लिए हमें इन शेप्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो कैसे पड़ती है वो देखते हैं। ओक्टा हमें क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन इज ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम हो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनका हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है। एक वर्ड आया है इसमें स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता क्या होता है, टूटना। अब क्या चीज टूटेगी वो देखनी है हमें। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कुछ ऐसा बनता है। ऑक्टाहेड्रल में छह जुड़े होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, दो एक साइड में, दो एक साइड में। इस शेप को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बोल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर मैं कहूँ ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है यहाँ पर, और इधर हो गई मेरी जेड एक्सिस। ये एक्स है मेरी, ये वाई है एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब हमारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। कौन इन्वॉल्व होते हैं, हमारे डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। डी ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऊपर से लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेके आता है ना, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेके आता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब ये ऑक्टाहेड्रल शेप बनी है इसकी, देखो हमारा जो लिगेंड है एक यहाँ पर अटैच्ड है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, राइट। अब शेप्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, एक और एक लिगेंड तो हमारा डायरेक्ट इस एक्सिस पर अप्रोच करता है, डायरेक्ट इन एक्सिस पर अप्रोच कर रहा है। देखो मीन्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की शेप, मीन्स लिगेंड डायरेक्ट इन लोब्स पर अप्रोच कर रहे हैं। इन्हीं लोब्स में हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। तो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई और लिगेंड के बीच में क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। और जब रिपल्शन होता है, वैर बढ़ता है, तो हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो औरों के कंपैरिजन में जो हमारा ये डी ऑर्बिटल है, इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। अब दूसरों की बात करते हैं, दूसरों में क्या हो रहा है हमारा, दूसरों में वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहे, अप्रोच हो रहा है, राइट। डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से तो डायरेक्ट अप्रोच हो रहा है, और साथ में हमारा किससे अप्रोच हो रहा होगा डायरेक्ट, जेड स्क्वायर से, और किससे अप्रोच हो रहा होगा डायरेक्ट, डी जेड स्क्वायर से, राइट। तो डी एक्स स्क्वायर और डी वाई जेड स्क्वायर की, तो सॉरी डी जेड स्क्वायर की, तो हमारी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इनके केस में देखो, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो भी इधर है, और हमारे लिगेंड भी इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, राइट। जो हमारे लिगेंड है इसको ऐसे देखो, एक मिनट रुको,
आप लोगों को शेप्स अच्छे से बता दी गई है। अब शेप्स को खोल लेना पेज वो वाला और शेप्स से रिलेट करके देखते रहना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की गई है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता ऐसे है, राइट? ये है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हमारे पास होता है डी ऑर्बिटल, एक का नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर एंड हेयर डी जेड स्क्वेयर। पहली बात, अगर होती हमारी सिमेट्रिक फील्ड, अगर होता हमारा सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में क्या होता, इलेक्ट्रॉन आते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन से आपस में रिपेल करते, तो जो इसका लेवल था वो थोड़ा बढ़ जाना था, एनर्जी लेवल, क्योंकि रिपल्शन की वजह से एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाता, राइट? तो एनर्जी लेवल क्या हो जाता है हमारा, थोड़ा सा बढ़ जाता है। अभी ये सारे एक ही लेवल पर है, सभी का एनर्जी लेवल सेम है, तो हम इन्हें बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? डी जनरेट ऑर्बिटल्स। इन सभी का भी लेवल एक समान है, तो इनको हम भी बोलेंगे डी जनरेट ऑर्बिटल्स, राइट? अब बात की गई है ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। ऑक्टाहेड्रल में देखो, ये है अगर हमारा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये रहा हमारा जेड एक्सिस। देखो, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर डायरेक्ट अप्रोच है, वाई एक्सिस और हमारे जेड एक्सिस पर लिगेंड्स की डायरेक्ट अप्रोच है। तो जो डी जेड स्क्वेयर है और जो डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है, इनके साथ रिपल्शन एकदम बहुत ज्यादा होगा, इनके साथ रिपल्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, राइट? लेकिन रिपल्शन इनका ज्यादा होगा तो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है दूसरों के कंपैरिजन में। तो ये जो डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर यहां आ जाएगा, डी जेड स्क्वेयर इसके साथ आ जाएगा, दूसरों की एनर्जी इतनी नहीं इंक्रीज होती रिपल्शन की वजह से, तो बाकी रह जाते हैं नीचे, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स हमारा यही रह गया नीचे, राइट? क्योंकि इनके, इनको इतना रिपल्शन फील नहीं हुआ, तो इनके इतना एनर्जी लेवल इंक्रीज भी नहीं हुआ, राइट? तो इस लेवल को, एनर्जी लेवल को हम मान के चलते हैं बैरिसेंटर, मींस एवरेज एनर्जी लेवल, बैरिसेंटर। ये टोटल की वैल्यू होती है हमारी डेल नोट, टोटल की वैल्यू होती है हमारी डेल नोट। जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर को हम मानते हैं प्लस, इसकी वैल्यू होती है प्लस 0.6 डेल नोट, और इसकी वैल्यू होती है नीचे वाले हिस्से की माइनस 0.4 डेल नोट। कितनी होती है? माइनस 0.4 डेल नोट, इतना डिफरेंस होता है इस सेंटर के रिस्पेक्ट में इनका, राइट? तो ये हुई आपकी डी जनरेट ऑर्बिटल्स या डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड, राइट? जो ऊपर है इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं ईजी ऑर्बिटल्स, और जो नीचे है उनको हम बोलते हैं p2g ऑर्बिटल्स। इसमें हम लिखेंगे d ऑर्बिटल इज डी जनरेट, डी ऑर्बिटल इज डी जनरेट विच स्प्लिट अप इंटू टू लेवल्स, विच स्प्लिट अप इंटू टू लेवल्स, विच स्प्लिट मतलब टूटना, इंटू टू लेवल्स, दैट इज ईजी एंड टी टू जी लेवल, ईजी एंड टी टू जी लेवल। देखो, ईजी में और टी टू जी में टूट गए, राइट?
जो हमारा टी टू जी लेवल है वो लोअर होता है एनर्जी में, एंड जो हमारा ई जी लेवल होता है वो क्या होता है, हायर होता है एनर्जी में. जो हमारा टी टू जी लेवल है, टी टू जी लेवल इज लोअर इन एनर्जी एंड कंसिस्ट. कौन कौन से ऑर्बिटल कंसिस्ट कर रहे हैं, एंड कंसिस्ट डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स, राइट. और वाइल जो हमारा ई जी ऑर्बिटल्स है, वाइल ई जी ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी, वाइल ई जी लेवल इज हायर इन एनर्जी एंड कंसिस्ट डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल्स. एंड जो हमने डायग्राम में किया वो लिख लिया. और जिसको मैंने बैरी सेंटर बोला उसको भी डिफाइन कर देते हैं. अ पॉइंट वेयर डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इज जीरो, अ पॉइंट वेयर डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इज जीरो कॉल्ड बैरी सेंटर, राइट. तो ये तो हो गई बात स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. अब यही बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ, नाउ सेकंड केस इज इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. टेट्राहेड्रल शेप कैसे बनती है, एक ऊपर तीन नीचे, एक ऊपर हमारा और साथ में जो हमारे तीन नीचे बनते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3. हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होती है हमारी sp3. इसमें कुछ नहीं होता, इसमें डायग्राम चेंज हो जाता है. कैसे, यहां पर आ जाएंगे हमारे पास तीन ऑर्बिटल, यहां पर हो जाएंगे हमारे पास दो ऑर्बिटल्स, राइट. जो ऊपर थे वो नीचे चले जाएंगे और जो नीचे थे वो ऊपर. यहाँ आया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, यहाँ पर डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, यहाँ डी जेड स्क्वेयर. जो ऊपर वाले को हम टी टू लिखेंगे, जी नहीं लगाते हैं टेट्राहेड्रल के केस में, जी नहीं लगाएंगे. अगर हम जी लगाते हैं वो गलत हो जाता है हमारा, नीचे खाली ई आ जाएगा, एनर्जी का लेवल भी चेंज हो जाएगा. ऊपर आ जाएगा 0.4, नीचे आ जाएगा 0.6 डेल नोट, नीचे क्या आ जाएगा 0.6 डेल नोट, राइट. तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. इसमें भी सेम हम ऐसे लिख देंगे, डी ऑर्बिटल इज डी जनरेट विच स्प्लिट अप इनटू टू लेवल्स. अब वो टू लेवल कौन कौन से हैं, टी एंड टी टू, राइट. जो हमारा टी टू लेवल है वो कंसिस्ट अब लोअर नहीं है टी टू, अब हायर इन एनर्जी है. अब जो हमारा टी टू है वो क्या है, ज्यादा एनर्जी का हो गया, इज हायर इन एनर्जी एंड कंसिस्ट वही सेम ब्लॉक्स करता है, राइट. वाइल जो हमारा ई ऑर्बिटल है इज नाउ लोअर इन एनर्जी, इज लोअर इन एनर्जी, कंसिस्ट ये क्या कर रहा है, सेम ऑर्बिटल्स को ही कर रहा है. और बैरी सेंटर हमें वैसे ही डिफाइन कर देना है. बैरी सेंटर क्या है, पॉइंट वेयर डिफरेंस इन
एनर्जीज ऑफ डी ऑर्बिटल इज जीरो. तो ये हो गई बात हमारी किसकी, स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. अब ये स्प्लिटिंग होती क्यों है, उसका मेन रीजन क्या होता है, लिगेंड्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन. अगर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड एक ही एक्सिस पर है, रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. इसलिए जैसे इस केस में dxy, dyz, dxz की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो हमारे लिगेंड होते हैं वो डायरेक्ट इन्हीं एक्सिस से अप्रोच करते हैं या इनके पास ज्यादा होते हैं, राइट. तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा इनके साथ, तो इसलिए रिपल्शन ज्यादा होता है तो इनकी एनर्जी का लेवल इंक्रीज हो जाता है. और dx2 y2 dz2 के साथ इनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता, लिगेंड्स का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा. इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा तो इनकी एनर्जी क्या होती है, कंपैरेटिवली कम होती है, राइट. अब इसी तरह हमने ऑक्टाहेड्रल में देखा था, उसमें जो नीचे वाले अब इसमें है वो ऊपर होते थे. मीन्स dx2 y2 dz2 का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता था लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए उस केस में ज्यादा रिपल्शन था. ज्यादा रिपल्शन था तो उनकी एनर्जी लेवल ज्यादा होती थी और dxy, dyz, dzx की एनर्जी का लेवल कम था, राइट. तो ये बात हो गई स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. अब क्वेश्चन इन पर कैसे पूछा जाता है, अब बात करते हैं कि इन पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा. इन पर मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दे आर ऑल अबाउट कलर्स, कि भाई ये इस कलर का क्यों है या ये कलरलेस क्यों है, ये कलर्ड क्यों है, राइट. तो क्वेश्चन है हमारा वाई टी आई H2O6, ये हमें कॉम्प्लेक्स दिया है जिसका चार्ज है 3 पॉजिटिव इज कलर्स. ये भाई कलर्ड क्यों होता है, राइट. बट इट बिकम्स कलरलेस ऑन हीटिंग वाई, बट इट बिकम कलरलेस ऑन हीटिंग, ठीक है, वाई तो चलो लिखा होगा. उसने पूछा है, उसने एक तो बताया है हमें कि जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है ये कलर्ड क्यों होता है. इसका जो कलर होता है वो होता है डीप पर्पल, मतलब बहुत गाढ़ा पर्पल, राइट. लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कलरलेस हो जाता है. इसमें ऐसा क्या होता है, तो बात करेंगे हम इसकी कॉन्फिगरेशन की. सबसे पहले टाइटेनियम इसमें यूज हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो. H2 पर क्या चार्ज होता है, 0 चार्ज प्लस 3. तो जो हमारा टाइटेनियम है यहाँ पर वो है प्रेजेंट इन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 22. इसमें से जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन. कॉन्फिगरेशन लिखे तो आर्गन 18 3d2 4s2 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, राइट. दो इलेक्ट्रॉन इसमें से चले जाएंगे, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन जाने हैं, दो इसमें से जाएंगे, एक इसमें से जाएगा. तो जो हमारी Ti3 पॉजिटिव की कॉन्फिगरेशन है वो बनती है आर्गन 18 3d1, राइट. तो डी ऑर्बिटल बनाते हैं हम हमारा. एक इलेक्ट्रॉन है
अब 6H2O है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा ये, तो इसकी स्प्लिटिंग कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाली होगी। स्प्लिटिंग कैसी होगी इसकी? ऑक्टाहेड्रल दो ऊपर तीन नीचे। डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो भी कौन से ऑर्बिटल में? dxy, dyz, dzx, dx2, y2, dz2। तो यहां पर वो आ गया एक इलेक्ट्रॉन, dxy, dyz, dzx। ये है यहाँ पर dx2, y2 और ये है यहाँ पर dz2। ये रहा हमारा बैरी सेट, राइट। नीचे वालों को बोलते हैं हम T2G, ऊपर वाले को बोलते हैं हम EG, राइट। जब हमारा ये टी, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जब थोड़ी सी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है? जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एच म्यू से। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इट मींस ये इस लेवल से यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? मैं सिर्फ ये लेवल्स बना रही हूँ। यहाँ पर नीचे तीन थे, यहाँ पर दो, तो ये यहां से यहाँ चला गया, मीन्स T2G से EG चला गया, या हम बोले dxy से dzx square y square में चला गया, राइट। तो यहां पर हुआ एक तरह से dd ट्रांजिशन, d से d में ट्रांजिस्ट हो गया। तो इससे क्या होता है अब, या फिर हम बोले तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया अप टू हायर एनर्जी लेवल आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, राइट। चलो हो गया ये, लेकिन अब आप लोगों को पता है एक्साइटेड हम लोग भी होते हैं, तो क्या हम एक बात को लेके, जिसको लेके एक्साइटेड होते हैं, उस बात को लेके जिंदगी भर एक्साइटेड रहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। कुछ टाइम के लिए ही हम एक्साइटेड रह पाते हैं। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले एनर्जी लेवल में तो चला गया, लेकिन ये वहां ज्यादा टाइम नहीं रुकेगा। क्या करेगा? थोड़े टाइम बाद वापस अपने स्टेट में आएगा। अब हाई एनर्जी से वापस किस में आएगा? ये लो लेवल जी में, मीन्स ईजी से वापस आएगा या टी टू जी में। अब हाई से लो में आ रहा है तो एनर्जी कम होगी, वो एनर्जी जो एमिट होती है, राइट, जब ये ग्राउंड स्टेट पर वापस आता है, जो वो एनर्जी री एमिट होती है, उसकी वजह से ही हमें इसका कलर शो होने को मिलता है। मेन रीजन क्या हुआ? ये डी से डी में चला गया ऊपर, डी डी ट्रांजिशन की वजह से ये ऊपर चला गया, फिर वापस नीचे आया, तो उसकी वजह से जो एनर्जी एमिट होती है उससे हमें इसका कलर दिखाई देता है, राइट। अब बात आई कि जो ये हम अगर इसको ज्यादा हीट कर दें तो ये कलरलेस क्यों हो जाता है? अब देखो कॉम्प्लेक्स है हमारा TiH2O6, राइट, TiH2O6। इसमें पानी है और आप लोगों को अच्छे से पता है पानी को जब गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह होगा, जब हम इसको हीट करेंगे हमारा पानी उड़ जाएगा, मीन्स लिगेंड हमारा गायब हो गया। अब जब लिगेंड ही चला गया तो कोई स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी, कोई डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ तो कलर भी शो नहीं होगा। तो इन शॉर्ट जो कलर शो हुआ वो हुआ ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशंस मेन रीजन होते हैं टू शो कलर। इसकी लैंग्वेज लिखेंगे हम TiH2O6 3 पॉजिटिव इज कलर्ड बिकॉज इट कंटेन वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इज कलर्ड बिकॉज इट कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा है? इन T
T2G level. In T2G level, which absorb the energy, जो energy absorb करेगा, which absorb energy and excited to TG level and excited to EG level, right? उसके बाद क्या होगा? When it come back to ground state, when it come back to ground state, it re-emit energy. ये energy release करेगा, re-emit energy and show deep purple color and show deep purple color and show deep purple color. क्यों show होता है? Due to DD transition, right? कलर की तो बात कर ली अब हमने, अब बात करते हैं कलरलेस क्यों हो जाता है ये. अब बात करेंगे हम कि ये कलरलेस क्यों हो जाता है. ऑन हीटिंग H2 इवेपोरेट्स, पानी उड़ जाएगा. पानी उड़ने का मतलब क्या है? लिगेंड चला गया भाई. पानी उड़ने का मतलब क्या है? कि लिगेंड चला गया, राइट? पानी उड़ गया, सो डी ऑर्बिटल्स, जो हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं, रिमेन्स डीजनरेटेड. डीजनरेटेड रहने का मतलब क्या है? उनका मतलब ये है कि उनको ईजी और टी2जी में स्प्लिट नहीं होंगे, क्योंकि स्प्लिटिंग तो लिगेंड की वजह से होती थी. लिगेंड हमारा चला गया तो स्प्लिटिंग अब नहीं होगी. स्प्लिटिंग नहीं होगी तो बाद में डीडी ट्रांजिशन भी नहीं होगा. डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर भी शो नहीं करेगा. Hence, when TiH2O6 positive when TiH2O6 positive heated, it becomes colorless, right? This is the reason for colored compound and colorless compound. Mostly हर क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाता है कि ये colored क्यों है, ये colorless क्यों है, या इसका color ये क्यों है, इसका ज्यादा color ये क्यों है. इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो समझ जाना वो किसके ऊपर बेस्ड है. क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग के ऊपर बेस्ड है, राइट? सर कैन यू टर्न ऑन द माइक ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज. हेलो, हेलो, अनम्यूट.